तो गाइस आज की वीडियो क्वेश्चन हमारा इफ़ एम और एन जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - x - 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। 1/m + 1/n, n² + n² तो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसकी एम और एन जीरोज़ है। हमें इसे बिना फैक्टराइज करे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एम 1/m और +1/n और इसकी। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज। इसमें जो ये हमारे एम और एन फैक्टराइज जीरोज़ है, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है हमारा? सम ऑफ जीरोज़ होता है हमारा -b/a, ठीक है। और वहीं सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है हमारा, यानी कि एम एन कितना होगा हमारा? c/a। तो -b यानी कि जो b क्या होता है हमारा, ये x का कोफिशेंट, तो x का कोफिशेंट -1 है, तो -1। a कितना है हमारा? 3, तो नीचे 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। वहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होगा हमारा c यानी कि कांस्टेंट -2/a 3। तो यानी कि प्लस ये आ गया हमारा m + n, ये आ गया हमारा 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ यानी कि mn आ गया हमारा -2/3। अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। 1/m + 1/n ऐसे देख के आपको डरना नहीं है, इसे आगे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा mn, ये हो जाएगा हमारा m + n। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, दिस सॉल्व करने का तरीका। फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? m + n कितना निकला हमारा? 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है हमारा? mn कितना दे रखा है हमारा? -2/3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा? -1/2। फाइन। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ तो कोई स्क्वायर फाइन पता ही नहीं हमें, तो स्क्वायर से डरना नहीं है आपको। तो m² + n² क्या होता है हमारा? m + n² - 2mn। अब ये मैंने कैसे निकाला? m + n² क्या होगा? m² + n² - 2mn होगा। तो जो +2mn है, मैंने इसको इधर लिया है, ठीक है। तो यानी कि एक फॉर्मूला इससे ये भी बन जाएगा कि m² + n² होता है हमारा इसका स्क्वायर -2mn। तो अब दोनों की वैल्यू हमें पता है क्या है। m + n कितना दे रखा है हमारा? 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा -2mn। कितना है हमारा? mn है हमारा 2/3, -2/3, ठीक है। तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/9, और ये हो जाएगा हमारा +4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 9 एलसीएम आएगा। तो 1 और ये इसका कितना होगा? 3 3 3 जा 9 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा हमारा 13/9, ठीक है। ये सही है ना हमारा? ठीक है, फाइन। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट फैक्टराइजिंग दिस पॉलिनोमियल। होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन।